माफी मांगनी इंसानियत में बहुत बड़ा एक कर्म है। सिख धर्म में इसकी बहुत महानता है। सिख का और गुरु की संगत का ये एक इंडिविजुअल जो काम है, सिख माफी मांगता है, गुरु और संगत माफ करती है। लेकिन सुखबीर जी का माफीनामा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई शक नहीं है इस बात में कि श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के लिए, और मैं तो कहता हूं देश के लिए, जो काम किया है, कुर्बानी की है, वो लासानी है। लेकिन जो दर्द सत्ता से निकलने के बाद सुखबीर जी ने दिखाया है, अगर यही दर्द, यही संवेदना, यही भावना जब वो सत्ता में थे, जब पंजाब में पत्ता भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं झूलता था, केंद्र सरकार में वो भागीदार थे, अगर ये दर्द रंचक मात्र भी तब दिखाया होता, तो ना तो पंजाब को उस पीड़ा से गुजरना पड़ता, ना पंथ को उस पीड़ा से गुजरना पड़ता। और जो हमारे सिख शहीद हुए हैं, जो संगत पे तशद्दद हुआ है, मेरा ख्याल से वो नहीं होता, वो नहीं होता। अभी इसको किस तरह से देखते हैं आप एज ए पॉलिटिकल? देखिए, अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो तो वो तो मानी जा सकती है, लेकिन जो जानबूझकर किया कुकृत्य है, उसको वो गलती की संज्ञा में नहीं आती। तो वैसे देखना तो गुरु ने और संगत ने है, ये तो जानबूझ के किया हुआ काम था, राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया हुआ कृत्य था, पाप था। देखिए, वो इंसानियत के लिए इशू है, सिखों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। सिखों के लिए तो है ही है, वो इंसानियत के लिए बड़ा, बहुत बड़ा आग लगा दी थी हमारे पंजाब में, अभी तक मतलब वो सुलग रही है। आप उस एरिया के भी हैं सर? मैं वहां का हूं और हमें मालूम है, बहुत जुल्म होते आए हैं, सहते आए हैं और हम लड़ते आए हैं। गुरु साहब ने हमें इससे समर्थ बनाया है, लेकिन जो अपना है अगर वो ऐसा करे तो वो माफी योग्य नहीं है। बिल्कुल, अगर यहां ये दुनिया की कचहरी में कोई वो जुगाड़ लगाकर बंदा निकल जाएगा, लेकिन भगवान की कचहरी में तो सजा मिलेगी मिलेगी, उससे बचा नहीं जा सकता। सर, जिस तरह से कल पार्लियामेंट में हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है बहुत बड़ा, तो ये विधानसभाओं के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अभी उनका अब कैसे इस काम चलेगा? सिक्योरिटीज को दोबारा से रिव्यू होगा, किस तरह से करेंगे? देखिए, सिक्योरिटी हर एक सत्र के पहले रिव्यू होता है, तो पंजाब विधानसभा की सिक्योरिटी में मेरा नहीं ख्याल कोई चूक है, लेकिन इसको देखते हुए, इस प्रकरण को देखते हुए बिल्कुल रिव्यू करेंगे। अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत कोई लूप होल हुआ तो उसको ठीक करने की कोशिश किया जाएगा। और इसमें 3-4 एजेंसी इन्वॉल्व होती है, चंडीगढ़ पुलिस भी होती है इसमें, हमारा पंजाब सरकार भी होती है, और सेम कॉम्प्लेक्स है तो हमारा जो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ भी होता है। तो सब बैठ के इसको रिव्यू करेंगे। अंदर मार्शल का होता है शायद, अंदर मार्शल तैनात होते हैं। मतलब देखा जाए तो गैलरी जो हमारी है जी, वो भी वैसे ही बनी हुई जैसे वहां पे इंसिडेंट हुआ था, नहीं वो तो तो एक वो ही इस डिजाइन है तो देखेंगे, लेकिन वहां मार्शल रहते हैं हमारे। क्या ये आगे से श्योर किया जाएगा कि जो दर्शक आते हैं उनके उसके लिए थोड़ा सा उनको प्रबंध? प्रॉपर जैसा हम लोकसभा से भी कंसल्ट करेंगे, जो जो करेक्टिव मेजर्स वो लेंगे तो देखेंगे, उनको यहां पर भी लागू किया जाएगा। वो घटना को किस तरह से देखते हैं सर? ये हरियाणा से दो युवक थे उसमें। देखिए, एक बात तो है कि चूक तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी इंटेंशन में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता, जो जो नौजवानों ने ये किया है वो किसी को नुकसान पहुंचाने का प्राइम ऑफिशियम देखें तो नहीं लगता। हाँ,
वो सिस्टम से तंग है, आप बिना डिस्कशन किए कानून पारित कर देते हैं, डिस्कशन नहीं करते, तो ये बातें तो मतलब तानाशाही तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिक्योरिटी, अगर आप पार्लियामेंट की सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो देश की सरहद की सिक्योरिटी कैसे करोगे यार? तो सिक्योरिटी क्या क्या बन चाहिए जी?